आज हम बात करने वाले हैं जी टीवी के उन 10 सीरियल्स की जो 1993 और 1999 के बीच शुरू हुए थे। इसे शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इनका जो क्रम है, इनकी योग्यता है, लोकप्रियता को नहीं बताता है। हमारे लिए तो 90s के सभी सीरियल जो अब तक हमारी यादों पर छाए हैं, सारे नंबर 1 ही हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम 5 की। हम 5 उस दौर का एक बहुत ही प्रमुख कॉमेडी सीरियल था जो एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया था। वैसे यकीन नहीं आता है अभी, पर उस दौर में उन्होंने काफ़ी अच्छे सीरियल्स निर्मित किए थे, और उनके एक और अच्छे सीरियल की हम जल्दी बात करने वाले हैं। फिलहाल तो इस सीरियल का नाम हम 5 था, उनके प्रोड्यूस करने के बावजूद भी कम 5 नहीं। इस सीरियल में अशोक सराफ ने आनंद माथुर की भूमिका निभाई थी, जो 5 बेटियों के पिता बने थे। उनकी सबसे पॉपुलर तीसरी बेटी स्वीटी और चौथी बेटी काजल थी। स्वीटी मिस वर्ल्ड बनना चाहती थी और गाते हुए दरवाजा खोलना उसकी मेन हॉबी थी, जबकि काजल लोकल डॉन थी, मतलब काजल भाई के नाम से जानी जाती थी। आनंद माथुर की पहली स्वर्गवासी पत्नी दीवार पर टंगी फोटो से ही उनसे बातें करती थी। कुल मिलाकर ये सीरियल एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज था। अगला सीरियल जिसकी हम बात करने वाले हैं, कैंपस। कैंपस एक कॉलेज ड्रामा था जो कॉलेज पॉलिटिक्स पर बेस्ड था। इसके मुख्य किरदार शक्ति, जो पहले नेगेटिव रोल में था, बाद में मेन प्रोटेगोनिस्ट बन जाता है। शक्ति का किरदार निनाद कामत ने निभाया था। इनके अलावा मुख्य खलनायक जो बिहारी बने थे, उनका किरदार भरत कपूर ने निभाया था। सैलाब एक ड्रामा सीरियल था। इसके मुख्य किरदारों में सचिन खेड़ेकर और रेणुका शाणे थे। दोनों मुख्य किरदार एक दूसरे को चाहते हैं, पर फैमिली के दबाव में आकर दोनों किसी और से शादी कर लेते हैं। बाद में कई सालों बाद जब दोनों मिलते हैं तो पाते हैं कि दोनों अब भी एक दूसरे को चाहते हैं। ऐसे उतार चढ़ाव से बना यह सीरियल दर्शकों को काफी पसंद आया था। मैंने की अपनी बात भी एक कॉलेज ड्रामा था, पर इसे रोमांटिक कॉमेडी के तौर पर बनाया गया था। इस सीरियल में काफ़ी सारे यंगस्टर्स थे जो एक दूसरे को चाहते थे, और मुख्य जोड़ी राहुल और प्रिया की थी। हालांकि जब राहुल रिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, तब प्रिया रिया को परेशान करने लगती है। ये कहानी सिर्फ यंगस्टर के रोमांस तक ही सीमित नहीं थी, इसमें इनकी फैमिली की कहानी भी दिखाई गई थी कि किस तरह हाई सोसाइटी वाले मिडिल क्लास वालों से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते। इरफान खान और सुरेखा सीकरी को भी आप इस सीरियल में देख सकते थे। सांप सीढ़ी एक गेम शो था जिसके होस्ट की भूमिका में मोहन कपूर थे। ये सीरियल पारंपरिक सांप सीढ़ी की थीम पर ही बनाया गया था, पर इसमें थोड़े बदलाव किए गए थे। सांप के काटने पर खिलाड़ी एक बड़े स्विमिंग पूल में फिसलता हुआ गिरता है। सीरियल में गेस्ट को भी इनवाइट करते थे। सीरियल के आखिरी में होस्ट और गेस्ट के बीच एक मुकाबला भी होता था। हारने वाले के मुंह पर केक मला जाता था। इसी हॉरर शो राम से बंधु द्वारा निर्मित एक हॉरर शो था। इस सीरियल ने बहुत सारे बच्चों की नींदें उड़ाई हैं, जो रात में बाथरूम जाने पर मम्मी या पापा को परेशान करते थे। इस सीरियल की सबसे पॉपुलर जो कहानी थी वो दस्तक थी। इसमें ब्रेकफास्ट टेबल पर रखी हुई अर्चना पूरन सिंह के कटे सर को बोलते हुए दिखाया गया था। इसके अलावा भी वीआर चोपड़ा की महाभारत में गुरु द्रोण बने सुरेन पाल ने भी सायनामा की कहानी में विक्रांत जब्बर की भूमिका निभाई थी। कुछ अन्य लोकप्रिय कहानियां थी आफत, दहशत, खौफ, तावीज, जीवन मृत्यु, धुंध, राज, खतरा। ये जरूर आपने इनमें से कुछ कहानियां देखी होंगी। फिल्मी चक्कर एक कॉमेडी सीरियल था। इसमें सतीश शाह और रत्ना पाठक शाह मुख्य किरदारों में थे। ये बॉलीवुड से ऑब्सेस्ड फैमिली की कहानी थी, जो बाद बाद में पॉपुलर बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग सिचुएशन के हिसाब से बोलते। इसमें इनके दोनों बच्चे भी बॉलीवुड से ऑब्सेस्ड बताए गए थे। इनके पड़ोसी एक साउथ इंडियन परिवार था। इसकी भूमिका सुलभा आर्या और विजय कश्यप ने निभाई थी। ये जी के शुरुआती सीरियलों में से था जो काफी सफल रहा था। एकता कपूर के एक और सीरियल की हम बात करने वाले थे, वो ये था मानो या ना मानो। एक हॉरर सीरियल था जिसमें एक कहानी के 4 या 5 भाग होते थे। मुझे याद है एक कहानी में शेफाली छाया ने जो किरदार निभाया था, वो किरदार फ्रिज से निकाल कर कच्चा मांस खाता है, और वो जो किरदार था वो दुर्गा जसराज उससे पोजेस्ड रहता है। दुर्गा जसराज को आपने अंताक्षरी सीरियल में अनु कपूर के को होस्ट के रूप में देखा होगा। चंद्रकांता सीरियल में भी शिवदत्त की पत्नी कलावती बनी थी। एक अन्य कहानी में एक रेडियो प्रोग्राम प्रस्तुत करता है एक हवेली में बुधवारी अमावस को जाकर लाइव टेलीकास्ट करता है, पर कभी वापस नहीं आता। 20 साल बाद उसका बेटा उसी हवेली में लाइव टीवी प्रोग्राम करने जाता है। ये एपिसोड अब भी यूट्यूब पर है, आपको जरूर देखना चाहिए। ये मानो या न मानो का बहुत ही अच्छे एपिसोड्स में से एक था। ये भी बोल रहे एक स्कूल के क्लास 11 की कहानी है। शायद स्कूल का नाम डिनोबली स्कूल था। उनके और उनके टीचर के रिलेशन को इस सीरियल में काफ़ी अच्छे से दिखाया है। एक्चुअली सीरियल में जब पहले बच्चे 11th में रहते हैं और बाद में 1 साल बाद पास होकर वो 12th में जाते हैं, तो ये कहानी कंटिन्यू होती है और वही बच्चों की कहानी 12th में दिखाते हैं। इस तरह से उन्होंने सीरियल बनाया था।
दूरदर्शन पे इसी से मिलता जुलता सीरियल स्कूल डेज भी था, वो भी उसी समय आता था, आपने जरूर उन्हें उसे भी देखा होगा। हिपीपुर्रे भी यूट्यूब पर है अभी, अगर आप चाहें तो उसे जरूर देख सकते। हम बात करने वाले हैं अब एक डब सीरियल की, जो बहुत ही खास सीरियल था और फिर कभी नहीं देखा गया। मैंने इसे यूट्यूब पर भी काफ़ी ढूंढा पर मुझे नहीं मिला। ये सीरियल था हिमगिरी का वीर, एक हांगकॉन्ग बेस्ड सीरियल था, 1985 में बनाया गया था और ये कुंगफू योद्धाओं की कहानी थी, आपको ज़रूर याद होगा। एक्चुअली इसका इंग्लिश नाम था द फ्लाइंग फॉक्स ऑफ द स्नोवी माउंटेन। अगर आप इस सीरियल को सर्च करना चाहते हैं गूगल पर, आप ज़रूर कीजिए। एक हांगकॉन्ग की सीरीज थी और इनके नाम एक्चुअली इन्होंने बदल दिए थे, क्योंकि हांगकॉन्ग के किरदारों के नाम काफ़ी टफ होते हैं, तो हमारे इंडियन दर्शकों के लिए वो कठिन हो सकते थे। तो हमारे जो किरदार थे उनके नाम थे अर्जुन और राखी, वो मुख्य किरदार में थे, वो निपुण कुंगफू योद्धा थे। इसके अलावा कई दूसरे किरदारों के नाम थे, भाई कर्ण, भाई वीर, वो भी कुंगफू योद्धा बताए गए थे। पर ये सीरियल अभी के दौर का नहीं बनाया गया था, इसमें बंदूकें और आज के हथियार नहीं थे, इसमें तलवारें बताई गई थी, यानी राजा महाराजाओं के समय का बनाया हुआ था, तो ये आधुनिक युग में नहीं लिखी गई थी इसकी कहानी। इसलिए किरदार लड़ने के लिए तलवार और भाले का उपयोग करते थे। आशा करता हूँ आपको ये सभी सीरियल ज़रूर याद होंगे, और यदि नहीं है तो इनके नाम YouTube पर ज़रूर सर्च कीजिए, इनमें से अधिकतर सीरियल YouTube पर मौजूद है, आपको आपकी पुरानी यादों में ज़रूर ले जाएंगे। मैं अगले वीडियो तक के लिए तब तक विदा लेता हूँ, जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।